3 हो गए, ठीक है। और मुझे निकलना था 5 बजे, मुझे पता नहीं मैं अब निकलूंगा या नहीं निकलूंगा। बट जो मेन चीज है, ये जो ताला है, मेरे नानी के कमरे का ताला टूट गया है। मतलब ये दरवाजे का हैंडल ही टूट गया, तो नानी अंदर से खोल नहीं पा रही है। अब मैंने सोचा कि मैं अपने रूम का ताला खोल के जुगाड़ कर। सुबह के 5 बज गए हैं। इस टाइम पे मुझे राइड पे निकलना था, बट मैं निकल नहीं पाया क्योंकि मेरे लोकी सिम्बा को नीचे जाना था। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है लोकी, और ये जो दिख रहा है, ये है सिम्बा। तो इनको टलाने के बाद निकलते हैं। हम कपड़े चेंज कर देंगे, हम कच्चे में, तो कपड़े चेंज करके सीधा रोड पे। अपना ट्रिप शुरू कर रहे हैं। लेट हो गए हैं, बोले टाइम से 6:30 हो रहा है। और खुशी की बात यह है, मेरे साथ मनीष आ रहा है। 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर जितना भी वो करना चाहता है, वो मुझे सपोर्ट दे रहा है। ठीक, ऐसे तो नहीं बैठ पाऊँगा, खड़े होकर कूद के बैठना पड़ेगा। चलो, तो हम तैयार है, कूद के बैठ गए। और हम चल पड़े अपने रास्ते की ओर। और यहाँ हमारी छोटी सी सिनेमैटिक शॉट जाने की। अरे कश्मीरी गेट, मनीष हमारा वेट कर रहा होगा या हमें वेट करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं पता है, जाने के बाद पता चलेगा। तो भाई आज सारे बाइकर्स मुझे डरा रहे हैं, जितने भी बाइकर्स गए हैं सारे के सारे डराते हुए जा रहे हैं। मैं 70 के स्पीड में चल रहा हूँ, ऊपर से मुझे डर है जो मैंने पीछे बांध रखा है उड़ ना जाए, और ऐसा लग रहा है कि उड़ जाएगा। उड़ गया तो किसका गया, मेरा ही जाएगा। वो उड़ गया, वो जिस चीज़ का डर था वो तो उड़ गया। ओहो, पन्नी उड़ गई मेरी, जौन सी पन्नी बचा रहा था मैं, वही पन्नी उड़ गई। अगर रास्ते में बारिश होती है, रेन कवर नहीं है मेरे पे, रेन कवर सारा गिर गया। ये रास्ते में बीच में खेल रहे हैं, तो चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा भाई हमारा वेट कर रहा है क्या नहीं। जो मेरा कवर उड़ गया था वो उन्होंने मुझे वापस दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू, उन्होंने मेरा कवर वापस दिया। तो बहुत अच्छे लोग थे जो उन्होंने मेरा कवर दिया, मुझे तो लगा भी नहीं था मुझे कवर मिलेगा, पर उन्होंने मुझे कवर दिया, थैंक गॉड। अरे दिन की शुरुआत अच्छी है, ऐसा नहीं है दिन की शुरुआत बुरी है। तो अभी हम कश्मीरी गेट कहाँ हो, तो ना यार कल रात को ना मैं सोया नहीं हूँ, तो शायद आज थोड़ी वीडियो में मैं बोलते हुए थोड़ा सा फंबल मार जाऊँ, या एक थोड़ा सा मज़ा ना आया, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट गाइस, ये जो ट्रिप रहेगा बहुत मज़ेदार होने वाला है, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। अब देखो आगे आगे होता है क्या। आ गया हूँ कश्मीरी गेट, यहाँ पर मुझे कोई राइडर नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे वेट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा। 1 hour later। और मेरे भाई बढ़िया बढ़िया, जहाँ जल्दी नहीं आ गया तू,
लेट होगा, 10 मिनट लेट होगा मेरे हिसाब से। हाँ 10 मिनट ही लेट है। चले चल, मुझे अच्छा लगा थोड़ा, कंपनी तो मिलेगा मुझे। कोई बात नहीं, और ऊपर से मैं लेट हो गया यार। पता अगर आप थोड़ा जल्दी बता देते ना। हाँ तो जेन्युइनली मैं चलता। कहाँ पर? पूरे ट्रिप पे? मैं सच में चलता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो चढ़ने के अभी टेक्निक चेंज करना पड़ेगा, निंजा टेक्निक किया अभी मैंने। अच्छा चढ़ने के लिए ये लगेज के वजह से पैर तो ऊपर से आ नहीं रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब तू लीड कर। क्या? ओहो एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट। तो हमारा भाई करनाल तक हमारे साथ है, और ये ऑटो वाले अपनी मर्जी से यू टर्न लेने के लिए कहीं से भी रास्ता बना रहे हैं। तो चलो करनाल ही सही, करनाल में भाई को हम ड्रॉप करके चलेंगे। अभी नया एग्जॉस्ट चेंज किया है। एग्जॉस्ट दिखा, एग्जॉस्ट। करते हैं टाटा बाय बाय दिल्ली को। ओहो धूप, धूप से निकल कर अब पता नहीं कहाँ ही निकलेंगे। फिर हम हैं करनाल की ओर, लेफ्ट भाई का इशारा, ये भाई हमें थोड़ा गाइड कर रहे हैं। मनीष थैंक यू फॉर दिस, अगर तुम सुन रहे हो हमारी बात को। भाई कट तो मार रहा है, मैं कट मार पाऊंगा? हल्की फुल्की तो मार ही पा रहा हूँ। और ये गए सोलो ट्रिप पे, कोई नहीं है साथ में। खैर अगर पहले बता दे तो साथ चल लेते। टू बी फ्रैंक टू रिस्की। जोर से बोलो जय माता दी, और आगे बढ़ते रहते हैं, देखते हैं जो होगा रास्ते में देखेंगे। तो कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा 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 जय माता दी। भाइयों अमृतसर बुला रहा है। अरे अभी गाड़ी पलट जाती, उससे बात करते हैं, पता नहीं गाड़ी पलट के गिर जाता है। सॉरी गाइस, फाइनली पेट्रोल पंप में पहला रिफ्यूलिंग कराने का टाइम आ चुका है, जिसमें बाइक अभी तक 100 किलोमीटर चली है। थैंकफुली मेरा भाई मेरे साथ है, और पेट्रोल पंप वाले भैया पेट्रोलिंग डाल रहे हैं। 1.5 घंटा हो गया, और वो चुप जानबूझ के इसलिए हुआ कि हम दोनों ना बात करते हुए, इसलिए हमने वीडियो बनाने की सोची नहीं, और इसलिए हम चुप बैठ के बस बात है। मुंह सूख चुका है बात कर करके। चलो कोई बात नहीं, हो गया तेरा। ओए बाहर पीछे भीड़ भी लग गई। चलो धन्यवाद। भैया हमें प्यारे से मिले। नहीं लद्दाख नहीं, कश्मीर, कश्मीर की वादियों में थोड़ा घूम के आएंगे। भैया कटिंग, मतलब अभी इतना कुछ, मतलब रास्ते में जितनी देर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई ना कोई कहीं से भी बीच में घुस रहा है। कोई तमीज़ी नहीं, कैसे कट मारना है किसी को कोई मतलब नहीं, बस ध्यान से चलाना पड़ रहा है। मतलब ऐसा हो गया गर्मी में, लोग जो बाइक में उनको तो जल्दी पहुँचना पहुँचना, गाड़ी वालों को भी बहुत ही जल्दी पहुँचना है। मतलब तो सबको पता ही है, उनकी बीवी ने घर पे बनाई है रोटी, और रोटी ठंडी होने से पहले घर नहीं पहुंचे तो मारेंगे पिटाई। जल्दी से जल्दी ढूंढते हैं कुछ खाने का जुगाड़, वरना भाई हो जाएंगे बेहोश। तो मिलते हैं आपसे अपने ढाबे के ओर। तो गाइस मैंने लिया ब्रेक मयूर ढाबा में मेरे भाई के साथ। तो हमने बहुत सारी बकचोदी करी है, हमने रास्ते में भर भर के बकचोदी करी है। तो हमने सोचो 100 किलोमीटर कितने में पार किया? 3 घंटे। 3 घंटे में 100 किलोमीटर मान सकते हो ना, हमसे ज्यादा कोई तेज आदमी है नहीं। यार यार और भाई ने अपना ढक्कन गिर दिया, उस चीज का अफसोस था। बोला यार तुम वीडियो बनाने से पहले मैंने ढक्कन गिर दिया। तो इसके बाद मेरा भाई जा रहा है वापस घर, मैं वापस चला, और मैं अपनी जर्नी आगे शुरू करूंगा इसकी दुआ से। इसने वैसे सुबह 5 बजे मिलने के लिए बोला था, फिर हम मिले कितने 7 बजे मिले मिले पर। तो इसके बाद मेरा भाई जा रहा है, तो लव यू ब्रो। मैंने इसको बहुत अच्छा ऑफर दिया, मैंने मेरे साथ चल ले, मना कर रहा है नहीं हो पाएगा। अबे नहीं ऐसा मत बोल, चल ले यार, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसके बाद घर पे बोलना पड़ेगा। कन्याकुमारी याद होने रखा है, करते भाई को अलविदा। भाई मेरी जान अब मिलेंगे 1 महीने बाद, मतलब 1 महीने से पहले भी हो सकता है,
पर कोशिश की जल्दी आने के लिए ध्यान से। बाइक नहीं ऑन हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ था बीच में। अब चालू है ना, चल मेरे भाई यार। थैंक्स यार, अच्छा लगा। थैंक यू। बिल्कुल पीस आउट। ओ आई एम नॉट पीस आउट। चल भाई। अब अकेला शुरू होगा अपनी जर्नी। जो भी किलोमीटर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5, टोटल किलोमीटर दिखा रहा है 325 और 5 घंटे 36 मिनट का जर्नी है हमारा। तो कर लेते हैं पूरी। 254 किलोमीटर रह चुका है जैसे आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए क्रूज पे रखा है 9900 बस, इससे ज़्यादा मैंने ऊपर चलाई नहीं है ना चलाऊंगा। टू बी क्या बोलते हैं, टू बी प्रिसाइज और टू बी सेफ, जैसे आपको सही लगे, जैसा मुझे सही लगे, क्योंकि मैं ये जर्नी अपना फुल फन में अच्छा करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम की तरह कोई ओवर स्पीड नहीं, कुछ नहीं, ज़्यादा स्पीड में बाइक नहीं चलाने का। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे आँखों में ना नींद भर के नींद आ रही है, मुझे सही में एक ब्रेक चाहिए। यहाँ रोक सकते हैं, यहाँ रोक के चलते हैं। ओके अंदर है दुकान। वेट करके चलेंगे। तो मैंने एक बार सोचा अपनी बाइक पे एक बार दर्शन दे देते हैं, तो मैंने पाया ये पाया। वो मेरे दोनों टायर साइड से घिस रहे हैं, बीच में से रोड में चल रहे हैं और साइड से घिस रहे हैं। देखा तो बैग फट रहा है यहाँ से ये दोनों टकरा के ये इसका हालत ऐसा हो चुका है। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने ये वाला स्ट्रैप मेरे बैग से रखा हुआ था, इससे मैंने ये बांध दिया नीचे से कि नीचे लगे ना। बीच में भी एक बार उतर के देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी लग रहा है। और मेन ऐसे राइड करना जरूरी है। वही माँ गर्मी, एक तो सोया नहीं यार, दिक्कत सारी है। चलो अपना राइड आगे बढ़ाते हैं। चलो जो भी अमृतसर चलते हैं। पता नहीं, मुझे बाइक से भी मुझे कुछ ऐसी फील आ रही है कि बाइक भी सही नहीं चल रही है, और पता नहीं क्या हो रहा है बाइक के साथ। किस्मत इतनी खराब चल रही है, बैग पीछे टकरा के जल रहा था, घिस रहा था, तो किसी ने नोटिस नहीं किया। मैंने तब नोटिस किया जब अच्छा हुआ मैंने ब्रेक ले लिया। मैंने देखा नीचे से और ज़्यादा फट गया। वो मैं आपको अच्छे से जब अनटैगल करके मैं रूम में लेके जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। और दूसरा, इसके चेन अभी लगा रहा था वो बीच में से टूट के बाहर निकल गया। वाह क्या किस्मत है, अब बिना चेन के हम उड़ा रहे हैं अपनी बाइक। अब लगता है इसको अंदर ही पैक करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है अब मेरे पास। और बचा हूँ मैं, मेरी बाइक और मेरे कैमरे। देखो क्या होता है अब इस जर्नी में आगे। शुरुआत में इतना अच्छा टक्कर आया है, अब देखते हैं आगे कितना टक्कर आता है। तो खुदा हाफिज़। पंजाब में और वहाँ जाके पीनी है लस्सी। यार सो जाऊँ थोड़ा सा, देखते हैं। बढ़िया गाड़ी, अच्छी लग रही है, अच्छी है, इतनी अच्छी लग रही है। सही टाइम है क्या? नहीं, अरे हाँ वो बिल्कुल सही टाइम था। ओह माय गॉड रोनी, दूसरी बार रिफिलिंग करनी पड़ेगी, दूसरी बार करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे को। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। ओहो यहाँ है बीच। अरे भाई सर, इंडिकेटर भी नहीं है, कहीं भी काट रहा है। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है यार, कैंपस की इनकी शुरुआत है। और यहाँ से एंट्री और तोप रखा हुआ है इन्होंने। वाह क्या बात, क्या बात, हमें भी तोप रखना शुरू करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र पर। 52 किलोमीटर है, मुझे बात समझ नहीं है। पंजाब में ही
और इतने प्यारे प्यारे सड़क पंजाब में है, दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? और दिल्ली में भीड़ भी तो है, दिल्ली में दुनिया भर के लोग आते हैं काम करने के लिए। ओह थैंक गॉड अमृतसर आ गए, मतलब अमृतसर आने वाला है। मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया राइड, मतलब बहुत मज़ा आया। और थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी थी, सह लिया मैंने। और क्या करें, फिर रूम में जाके बात करेंगे, इतना ज़्यादा एक नहाने के बाद तो बात करना बनता है अपन का, है ना? हाँ फिर पहले नहाएगा, फिर बात करेगा, फिर खेलेगा। तो गाइस मिलते हैं अपने होटल्स में।